आजकल ठंड बहुत लग रही है, इतनी लग रही है कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इतनी ठंड जब झेल ही रहे हैं तो थोड़ी बर्फबारी भी करा दो, ताकि मनाली जाने का सपना घर बैठे ही हमारे पूरे हो जाएं। आजकल देश में एक तरफा प्यार करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर एक तरफा प्यार करने वालों की संख्या जोड़ी जाए तो एक अलग राज्य बन सकता है, जिसका नाम होगा सिंगलिस्तान, और वहां का राष्ट्रगान होगा, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। वो क्या हुआ कि एक बाप ने अपने लड़के की शादी तय की। लड़के की शादी तय की तो लड़के से बोला कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, लड़की रूपवती है, गुणवती है, सरस्वती है। लड़का बोला, पापा वो तो ठीक है, लेकिन मैं जिसको चाहता हूं वो गर्भवती है। वो पति पत्नी में लड़ाई बहुत चल रही थी, लड़ाई इतनी चल रही थी कि पूछो मत, खाने को लेकर लड़ाई हो रही थी। तो पत्नी ने कहा कि ये कौन सा कानून है कि मैं ही तुम्हें खाना बना करके खिलाऊं हमेशा। पति ने बोला, ये कोई नया कानून नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का कानून है कि हर कैदी को खाना सरकार ही देती है। वो पिछले दिनों एक बनारस के लड़के को एक पतली सी लड़की से फ्रेंडशिप हो गई, तो लड़के ने उस लड़की को कविता भेजी। कविता क्या थी कि चेहरा तोहार कोनो खास नइखे, चेहरा तोहार कोनो खास नइखे, तहरी हड्डियन पर मांस नइखे, प्रपोज तोहरा के कैसे करी गोरी, तोहार तो वैलेंटाइन डे तक जिए के आस नइखे। मुझे लाज आ रही है। वो कुछ दिन प्यार होने के बाद, आपको भी पता है प्यार मोहब्बत ज्यादा दिन टिकता नहीं है, तो लड़के ने लड़की को कहा कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, मेरे सारे लव लेटर मुझे वापस दो। लड़की अंदर गई और एक बड़ी सी टोकरी लेके आई और बोली, ये ले, इसमें से जो तेरे हो छांट ले और दफाओ। कुछ पत्नियां भाई साहब बहुत कमाल की होती हैं, और पति तो उससे भी कमाल के। वो पत्नी ने पति से कहा कि सुनते हो, अगर तुमने मुझे सोने का हार दिलवा दिया तो मैं तुम्हें 7 जन्मों तक प्यार करूंगी। पति कमाल का। पति ने कहा कि सोने का हार क्या, मैं तुम्हें सोने के हार के साथ कंगन भी दिलवा दूं, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। वो क्या हुआ, किसी ने पूछा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। तो लड़का बोला कि लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और अरेंज मैरिज का मतलब बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। वो क्या हुआ, शादी हो रही थी तो शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी पहुंच गया। दुल्हन के पिता ने उसको पकड़ लिया, बोला, आप कौन है? लड़का बोला, जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूं। आजकल मोबाइल का ही जमाना है। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, आज एकदम जमाना बदल गया है। आज जब मोबाइल गिरता है तो कलेजा, किडनी, लीवर, फेफड़ा सब बाहर आ जाता है। अपने नौजवान दोस्तों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि गले में मंगलसूत्र देखकर हिम्मत मत हारा करो दोस्तों, क्योंकि कई बार लाइसेंस वाला हथियार भी चोरी हो जाता है। ये पंक्तियां यदि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को भेज दिया तो उसका काम बन जाएगा कि लाइफ का मुझको अपनी तुम ठाट बाट समझो, ज्यादा नहीं कहूंगा बस डॉट डॉट समझो, ज्यादा नहीं कहूंगा बस डॉट डॉट समझो, सब आएगा समझ में, सब आएगा समझ में, समझो मेरी मोहब्बत, बन जाओ तुम मनुष्का, मुझको विराट समझो, बन जाओ तुम मनुष्का, मुझको विराट समझो।